दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 892.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है, जहां केंद्रीय मंत्री ने इसकी स्वीकृति दी है, जिसके अंतर्गत बेमेतरा से मुंगेली, राजनांदगांव से जसपुर और बिलासपुर में नई सड़कों का निर्माण मंजूरीकृत शामिल है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को तकरीबन 892 करोड़ के विकास कार्यों की स्वीकृति दी है। इन नई परियोजनाओं से राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी, जबकि परिवहन की सुविधाएं और बेहतर होने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर पर लिखा कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जसपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों में 8 राज्य सड़क खंड के विकास कार्य के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में CRIF योजना के अंतर्गत 892 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। राज्य के विकास को एक नई गति मिलने वाली है। दरअसल केंद्रीय मंत्री साहू ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए संकल्पित है। हाल ही में हुई दिल्ली में बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जो सुझाव दिए थे उस पर केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दी है। 15 अक्टूबर से रात का पारा गिरने वाला है, जिसकी वजह से ठंड आएगी और सरगुजा बस्तर संभाग में एक बार फिर आज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जबकि रायपुर में कोई राहत नहीं। इसके अलावा डोंगरगढ़ और सुकमा सबसे गर्म स्थानों में से एक रहे। छत्तीसगढ़ में अब मौसम की अगर हम बात करें तो सरगुजा और बस्तर संभाग में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि रायपुर में रविवार को दिन का तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके चलते गर्मी और उमस हल्की महसूस हुई। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता सामान्य से कम रही है, वहीं एक दो स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा दर्ज करी गई है। सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा के कटे कल्याण में 20 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉनसून अब लौटने लगा है, साथ ही 15 अक्टूबर के आसपास मॉनसून की वापसी रेखा रायपुर तक पहुंच जाएगी और उसके बाद प्रदेश के रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रायपुर समेत कई शहरों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक है, जहां रायपुर में दिन का तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा बढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में बजट पेश करने की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है, जहां 1,60,000 करोड़ तक यहां साय सरकार का दूसरा बजट पेश किया जा सकता है, जहां 8% की बढ़ोतरी हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के दूसरे बजट की तैयारी लगभग शुरू कर दी गई है, जहां वित्त विभाग ने विभागों से कहा है कि सभी अपने अपने विभागों के बजट में सिर्फ 8% बढ़ोतरी के साथ ही प्रस्ताव भेजे। इस लिहाज से संबंधित प्रस्तावों के आधार पर साय सरकार का आगामी बजट लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए तक अनुमानित हो सकता है। वित्त विभाग ने 2025-26 के बजट के लिए सीमा रेखा तय कर दी है। वित्त विभाग के उप सचिव ने सभी ACS प्रमुख सचिव तथा सचिवों को इस संबंध में परिपत्र भेजा है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपरीक्षित नवीन व्यय के रूप में प्रस्ताव में बजट में शामिल नहीं किए जाएंगे। एक पहले रिकॉर्ड बनता था इतने लोगों के पेपर देने के, और अब रिकॉर्ड बनता है पेपर ना देने वाले लोगों के, क्योंकि परीक्षा केंद्रों की अगर हम बात करें तो इन दिनों सूने सूने परीक्षा केंद्र दिखाई देते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ व्यापमं की भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थिति का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में जब से व्यापमं और PSC की प्रवेश परीक्षाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं के लिए शुल्क लेना बंद किया गया है, तब से बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी आवेदन तो करते हैं लेकिन परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुँचते। ऐसे में रविवार को ही अगर हम बात करें बीते दिन की, तो प्रयोगशाला तकनीशियन की परीक्षा के लिए शहर में 15 केंद्रों में इसकी परीक्षा आयोजित करी गई। इस परीक्षा के लिए 5,970 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीयन करवाया था, लेकिन परीक्षा में सिर्फ तकरीबन 2,732 अभ्यर्थी ही पहुंचे, तकरीबन 3200 अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। ये तो केवल एक जिले के आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 50% लोग भी परीक्षा देने नहीं पहुंचते। फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं देने का सिलसिला काफी लंबे समय से जारी है और इसकी वजह से व्यापमं को लाखों करोड़ों का नुकसान भी होता है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि 50% परीक्षार्थी अब परीक्षा देने नहीं पहुंच रहे हैं। पहली वजह निशुल्क और दूसरी वजह परीक्षा के टलने का है। बता दें कि व्यापमं ने परीक्षा के 3 दिन पहले डेट टाल लिया था, वही नई परीक्षा डेट में परीक्षा ली गई है। शायद कई अभ्यर्थियों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा।
छत्तीसगढ़ में अब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही की है, जहां चेकिंग के दौरान 9 करोड़ के तकरीबन 928 किलो चांदी जब्त की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन में सबसे पहले राजधानी रायपुर में पुलिस ने बड़ी तस्करी का खुलासा किया है। मौदहापारा थाना क्षेत्र में पुलिस रूटीन चेकिंग में लगी हुई थी और इस दौरान कार्टून से लोड एक अशोक लेलैंड वाहन को पुलिस जवानों ने तलाशी के लिए रोका और जब उन्होंने कार्टून को खोलकर देखा तो दंग रह गए, क्योंकि कार्टून के भीतर चांदी की सिल्लियां रखी हुई थी। इसके बाद जब दूसरे कार्टूनों को खोला गया तो उसमें भी चांदी की सिल्लियां पाई गई हैं। वाहन में सवार युवक सन्नी कुमार सिंह ने चांदी के स्वामित्व से संबंधित कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स पुलिस को नहीं दिया है, जिसके बाद पुलिस ने चांदी की सिल्लियों से भरे 51 कार्टूनों को बरामद किया है। बता दें कि चेकिंग के दौरान चांदी का जखीरा मिलने के बाद सूचना GST विभाग को दी गई है, जिसके बाद GST टीम मौके पर पहुंचकर चांदी को जब्त कर रही है। GST द्वारा जब्त चांदी का कुल वजन 928 किलोग्राम है, जिसकी कीमत तकरीबन 9 करोड़ रुपये की गई है। मामले में GST की टीम अग्रिम कार्यवाही में अब जुट गई है। बलौदा बाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अब तकरीबन 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, जहां पुलिस ने 5 पूरक चालान पेश किए, लेकिन कांग्रेस विधायक के चालान में लगातार देरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार हिंसा मामले में जेल में बंद कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की जुडिशल कस्टडी 21 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई और पुलिस ने 5 पूरक चालान पेश किए हैं, जिनमें विधायक देवेंद्र यादव का चालान सम्मिलित नहीं है। देवेंद्र के वकील ने पुलिस पर चालान पेश करने का दबाव बना रहे हैं, वहीं बलौदा बाजार पुलिस ने अब तक चालान पेश नहीं किया है। चालान पेश करने में हो रही लगातार देरी पर देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि जानबूझकर चालान पेश करने में देरी की जा रही है, जिससे उनके खिलाफ आरोप गढ़े जा सके। इसके अलावा बात करें तो 5 अक्टूबर को इनको 90 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में पुलिस को जल्दी चालान पेश करना होगा। देवेंद्र के वकील ने सोमवार को हाई कोर्ट में भी उनके जमानत को लेकर याचिका लगाई है। इसके पहले 10 सितंबर और 17 सितंबर को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की थी, क्योंकि वजह थी पुलिस द्वारा इनका चालान पेश नहीं किया गया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां कार ने रेड सिग्नल पर खड़े 4 वाहनों को टक्कर मार दी, जहां गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को जमकर पीट दिया, जबकि पुलिस ने आकर इस ड्राइवर की जान बचा ली। छत्तीसगढ़ के रायपुर एक्सप्रेसवे में फुंडहर चौक के पास सोमवार को तकरीबन दोपहर एक अनियंत्रित कार रेड सिग्नल पर खड़े वाहनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक के बाद एक करके 4 कारें आपस में टकरा गई। हालांकि कार में बैठे लोगों को गंभीर चोट नहीं आई है। मामला तेलीबांधी थाना क्षेत्र का है। हादसे में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस इको स्पोर्ट कार इतनी तेज गति से चल रही थी कि टक्कर के दौरान सिग्नल पर खड़े लोग डर गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की स्पीड तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और बेकाबू कार ने सिग्नल से पहले ही खड़ी गाड़ियों में इतनी तेज टक्कर मार दी कि कई गाड़ियां एक दूसरे से जा टकराई और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। निकाय चुनाव को लेकर हर निकाय में 2 प्रभारियों की नियुक्ति कांग्रेस की तरफ से होने वाली है। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा के बाद अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी निकायों में प्रभारियों की घोषणा करने वाली है और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज एक बार फिर बस्तर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे दशहरा तक अपने क्षेत्र में रहेंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि उनके लौटने के बाद ही प्रभारियों की सूची जारी की जाएगी। PCC चीफ ने वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद प्रभारियों की सूची लगभग फाइनल कर ली है। हर निकाय में 2-2 प्रभारी नियुक्त करने की तैयारी है। इस बार संगठन ने वरिष्ठ नेताओं से लेकर पदाधिकारियों को निकायों की जिम्मेदारियों को देने का फैसला किया है। सूची पर अंतिम विचार विमर्श के बाद ही से सार्वजनिक कर दिया जाएगा। PCC की ओर से जल्द ही प्रभारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी, ताकि ग्राउंड रिपोर्ट इसकी तैयार की जा सके। मोदी के खिलाफ 2 शंकराचार्य बेक प्लेटफॉर्म पर आगे आ चुके हैं, जहां निश्चलानंद के गौ हत्या के एजेंट वाले बयान का अविमुक्तेश्वरानंद ने समर्थन किया और कहा महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं। दरअसल छत्तीसगढ़ के ज्योतिष पीठाधीश्वर के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती रायपुर दौरे पर है, जहां बीते दिन उन्होंने निश्चलानंद के मोदी के गौ हत्या को एजेंट बनाने वाले बयान का समर्थन किया, जहां उन्होंने सवाल पर कहा कि मोदी जी से जितनी बड़ी आशा थी उतनी बड़ी निराशा मिली है। दरअसल
माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है और इसी के तहत गोध्वज यात्रा स्थापना यात्रा रायपुर पहुंची है, जहां अभियुक्तेश्वरानंद भी शामिल हुए। यहां उन्होंने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं। दरअसल रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शंकराचार्य ने कहा कि राष्ट्रपिता नाम की कोई चीज़ हमारे यहाँ है ही नहीं। भारत कब से है यह कोई नहीं जानता, इसका जन्म देने वाला कोई नहीं है। जब पाकिस्तान बना और बाकी पाकिस्तान के कायदे आजम राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना बने क्योंकि वह नया जन्मा था, लेकिन भारत पहले से था, भारत को किसी ने नहीं जन्म दिया है। ऐसे में भारत में कोई भी राष्ट्रपिता पदवी पर प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। दीपक बैज ने ओपी चौधरी को टोपी चौधरी बताया और कहा कि महाज्ञानी मंत्री सबको टोपी पहना रहे हैं। दरअसल 32,000 करोड़ का कर्ज क्या किया, ये तमाम बातें इन्होंने सवाल पे सवाल किए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को टोपी चौधरी बताया। छत्तीसगढ़ बजट को लेकर इन्होंने कहा कि ज्ञानी मंत्री ओपी चौधरी अभी तक पूरे विभाग को टोपी पहनाते आए हैं और अब प्रदेश के युवाओं को टोपी पहना रहे हैं, व्यापारियों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। बैज ने कहा कि 32,000 करोड़ कर आखिर गया कहां। टोपी चौधरी से निवेदन करता हूं कि कृपया वह छत्तीसगढ़ की जनता को इसे अवगत करवा दे। आपने सिर्फ 8 से 9 महीने में इतना कर्ज ले लिया, 5 साल के कार्यकाल में भी हमारी सरकार ने इतना कर्ज कभी नहीं लिया। प्रदेश की जनता को जानने का हक है आपने जो कर्ज लिया उसको किस किस मद में कितना खर्च किया। बजट के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है। आपने युवाओं को नौकरी देने को कहा था, आज सभी युवा आपके बंगले को घेर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, उनके लिए क्या प्रावधान किया है। टोपी चौधरी, आप केवल अभी तक छत्तीसगढ़ के युवाओं को जनता को टोपी पहनाते आए हैं, अब ये नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता पाई पाई का हिसाब टोपी चौधरी को देना होगा। ये तमाम बातें इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद पर अब आक्रामक नीति तैयार कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की दिल्ली समेत तमाम 8 राज्यों की बैठक संपन्न हुई दिल्ली में, जहां मुख्यमंत्री साहब पीएम मोदी से भी मिले। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे लगातार हो रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार डिफेंसिव नीति को बदलकर अब अट्रैक्टिव नीति पर आ गई है। जहां इन्होंने नक्सलियों के विरुद्ध अभियान को लेकर कहा कि सफलता पूर्व अभूतपूर्व है। जहां सोमवार को दिल्ली में बैठक के बाद नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बैठक ले रहे थे, बैठक में 8 राज्यों के सीएम सम्मिलित हुए। विज्ञान भवन में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी मौजूद रहे। इसके अलावा इस बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री साय प्रधानमंत्री से भी मिलने उनके बंगले पर गए। विधायक बघेल और ग्रामीणों के बीच तीखी बहस हो गई। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम की रूपरेखा से समाज के लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से कांग्रेस की विधायक हर्षिता बघेल को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। मिनी माता की मूर्ति का अनावरण को लेकर चर्चा के दौरान लोगों के आक्रोश को देखते हुए हर्षिता बघेल वहां से उठकर चली गई। वहीं विधायक और समाज के लोग काफी तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार ये वीडियो ग्राम बासुला का है, जहां ये पूरा मामला गांव में मेरी माता की मूर्ति के अनावरण से जुड़ा हुआ है। सतनामी समाज के लोग विधायक बघेल के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने को लेकर चर्चा नहीं किए जाने से नाराज हैं। चर्चा के दौरान बैठे लोगों के आक्रोशित होने के बाद विधायक वहां से चली गई। इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि कार्यक्रम को लेकर राजनीति अब गर्मा सकती है। कोंडागांव में कला उत्सव 2024-25 का आयोजन किया गया, जहां 5 ब्लॉक के स्टूडेंट शामिल हुए। दरअसल कोंडागांव में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभाओं को पहचानने और प्रोत्साहित करने, शिक्षा कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साल 2015 से कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2024-25 में भी जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंडागांव में सम्पन्न हुआ। एकल गायन में कोंडागांव में, साथ ही एकल नृत्य में सेठिया, बात करें नाटक में बाउमा कोसमी को पहला स्थान यहां पर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 80% तक नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 खत्म हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में अक्टूबर को यहां पर 4 अक्टूबर को 31 नक्सली मारे गए थे। सभी कंपनी नंबर 6 के जो है नक्सली थे और अब नक्सलियों की ये दूसरी सबसे बड़ी खतरनाक टीम थी, लेकिन अब इसका लगभग सफाया हो चुका है। जवानों ने मुठभेड़ में 80% लड़ाकों को मार गिराया है, जहां ये लड़ाके LMG, AK-47, SLR, स्नाइपर जैसे हथियारों से लैस थे। कंपनी कमांडर नंदू मनावी सहित
फ्रंट लाइन के लड़ाके ढेर हो चुके हैं। इंटेलिजेंस के अनुसार 10 से 12 नक्सली जिंदा बचे हैं, लेकिन वो घायल हैं और अब वो लड़ने के काबिल नहीं हैं। नक्सलियों की ये कंपनी दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर के इलाके में सक्रिय थी। ये इलाका नक्सलियों के पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी का हिस्सा है। इसके इंचार्ज DKSZC की नीति उर्फ निर्मला पर 25 लाख रुपए का इनाम था, जबकि नंदू पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।